जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों यहां पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है अपनी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको दोस्तों यहां पे दिया है कि कब कब दोस्तों कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर दिया है, तो इसका दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि ये कब होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि परीक्षा फल उन्होंने दिया है कि मार्च का तृतीय सप्ताह, जो कि पॉसिबल नहीं है, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ तो यहाँ पे ये कहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने जो दोस्तों जो मेन है उत्पाद सिपाही, हम लोग को उत्पाद सिपाही को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो उत्पाद सिपाही जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो देखिए कब दिया है, तो वो दोस्तों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह, यानी आप लोग के पास दोस्तों आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ज़्यादा वक्त है नहीं, अप्रैल महीने में ही जो है आप लोग का ये जो दौड़ है वो होने वाली है 10 किलोमीटर की। ठीक है, और 10 किलोमीटर वाला जो वीडियो है उसमें क्या क्या जो तरीके हैं, स्ट्रेटेजी है और जो टिप्स है वो मैंने अभी अपलोड किया है आप लोग के लिए, तो वो पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, आपको बेनिफिट 100% दोस्तों वहाँ से होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके बताएं दोस्तों 10 किलोमीटर रनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है लिखित परीक्षा के बारे में, तो लिखित परीक्षा का भी जुलाई माह का तृतीय सप्ताह, यहाँ पे जुलाई महीने में दिया है दोस्तों आपका लिखित परीक्षा जिसमें 3 पेपर रहने वाले हैं, उसका भी दोस्तों हम लोग क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, आप लोग के लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे भी अगर देखा नहीं है आप लोगों ने तो उसे भी एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा है यानी कि 10 किलोमीटर रनिंग वो कब है, तो वो है अप्रैल महीने में, और लिखित परीक्षा कब है वो है जुलाई महीने में। आप लोग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बताया गया है कि वो अगस्त महीने में दिया जाएगा, तो ये कौन चीज़ का रिजल्ट होगा दोस्तों, ये लिखित परीक्षा का रिजल्ट होगा। ठीक है, वो कौन चीज़ का परीक्षा होगा, ये जो लिखित परीक्षा है उसका रिजल्ट होगा, बाकी तो दौड़ पास करिएगा आप लोग, तो आप लोग जान ही जाइएगा कि आप लोग पास है कि फेल है। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंटरमीडिएट स्तर का जो कंप्यूटर हिंदी टंकन वाला जो परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, वो यहाँ पे जून महीने में होने वाली है। कब होने वाली है, जून महीने में, और जो इसका रिजल्ट है वो सितंबर माह का तृतीय सप्ताह में प्रकाशित होने वाला है। ठीक है, चलिए जो एक और दिया है इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जो दिया है वो जून महीने का तृतीय सप्ताह, यहाँ पे ये इसे भी दोस्तों जून महीने में लेने का बात किया गया है सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए और जितने भी मैट्रिक स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उत्पाद सिपाही को छोड़कर, देखिए उत्पाद सिपाही इन्होंने अलग से दे दिया है, बाकी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो कब होगी वो भी जून महीने में कंडक्ट कराने का सरकार ने बात किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो JSSC है वो यहाँ पे बोल तो देती है कि हम जो है इस महीने में एग्ज़ाम लेंगे और इस महीने में रिजल्ट देंगे, बट ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो इस जिस डेट में बोलते हैं उस डेट में एग्ज़ाम लेते हैं और जिस डेट में बोलते हैं उस डेट में रिजल्ट देते हैं, तो ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि शारीरिक हम लोग का परीक्षा जो है उत्पाद सिपाही को वो अप्रैल महीने में है और लिखित परीक्षा कब है जुलाई महीने में। तो दोस्तों आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो समय को दोस्तों ध्यान में रखते हुए तैयारी आप लोग पूरी जोरों शोर से करिए, और मैं हमेशा आप लोग के लिए हमेशा जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ लीजिए, आपको 100% प्रॉफिट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।